हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आपका रसोई घर। आज हम अपने रसोई में बनाने जा रहे हैं लाल वाला साग। साग बनाना तो हम सबको आता है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इस साग में हम चना का दाल डाल के बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा किलो लाल साग लिया है, जिसे मैंने अच्छे से पानी से धो के रखा है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। थोड़ा सा मैंने चना दाल लिया है, जिसे आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिंगो लिया था। और हरी मिर्च लिया है मैंने। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साग काट के दिखा देती हूँ। साग को हमें बिल्कुल बारीक काट लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। साग को हम जितना बारीक काटेंगे वो उतना ही अच्छा गल के तैयार होगा। इसी तरीके से हम सारे साग को काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साग बनाना। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। जब कढ़ाई पूरा गरम हो जाएगा तो इसमें हम एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को हम कढ़ाई में चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च और कटे हुए प्याज को डालेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और प्याज को हल्का फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें लगातार चलाते रहना है, वरना प्याज जो है वो जल जाएगा। ये देखिए, प्याज को हमने एक से दो मिनट तक भून लिया है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाल देंगे। और भिंगोए हुए चना की दाल को भी हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर से हम इसे हाई फ्लेम पे ही एक मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। और इसके बाद हम जो साग काट के रखे हैं उसे इसमें डाल देंगे। और फिर से हम सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और ढककर पकने देंगे। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। बीच बीच में हम साग को चलाते रहेंगे। साग को हमें ढककर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, साग अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से इसे मिक्स करके हम ढक के 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, साग बन गया है। ये काफ़ी अच्छे से गल गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसे कलछी की सहायता से कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप एक बार मेरे बताए गए तरीके से ये साग ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।